-30 डिग्री की जिस ठंड में चीनी सैनिकों को पेंगोंग से पीछे हटने तक मजबूर कर दिया, उन पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों का जोश हाई है। भारतीय सेना का भरोसा ऐसा कि एलएसी जाने की पाबंदी हटा दी गई, जिसके बाद आज एलएसी पहुंचने वाला आज तक पहला चैनल बना। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव बढ़ा था, आज तक मात्र चैनल था जिसने सबसे पहले ग्राउंड पर जाकर आपको सारी जानकारियां दी थी। उसके बाद मीडिया की किसी टीम को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर आज तक पहला चैनल बना देश का जो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मीडिया को अनुमति मिली है तो जाने के लिए वहां पर निकला है। दरअसल हम दिखा रहे हैं आपको आज की परिस्थितियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है। दरअसल 50,000 भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के आमने सामने हैं और उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और इस वक्त जो साल का मौसम चल रहा है वो सबसे ठंडा है, जनवरी का महीना है और तापमान इस पूरे इलाके में -50 डिग्री तक जाकर लुढ़कता है। जब हमारी टीम पेंगोंग झील पहुंची तो हिलोरे मारने वाला झील का पानी भी ठंड में जमकर बर्फ बनने लगा है, जिससे इलाके में ठंड के कोहराम का अंदाजा लगाया जा सकता है। रात का -30 तक चला जाता है, -10 डिग्री दिन का तापमान होता है और ये झील अधिकतर अब जमने लगा है धीरे धीरे, लेकिन साल्टी वाटर होने के कारण यानी खारा पानी होने के कारण फिलहाल झील पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाएगी। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि अब पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं विशेष पास लेकर, क्योंकि अगर लद्दाख की इकोनॉमी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्भर इसी झील को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों पर है और पिछले एक साल से उनका व्यवसाय भी बैठा हुआ था, लेकिन अब दोबारा वो ये पर्यटकों को यहाँ ला सकते हैं और वो इस खूबसूरत झील का नज़ारा कर सकते हैं। जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था भारतीय सेना का तो ये लगने लगा था कि पता नहीं अब पेंगोंग लेक जा पाएंगे लोग या पर्यटक जा पाएंगे या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा पर्यटकों के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पर्यटक जो है अब दुनिया के इस खूबसूरत झील का दोबारा जो है जायज़ा ले सकते हैं, इसका नज़ारा कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इसको निखार सकते हैं। आज तक की टीम जिस पेंगोंग झील के पास पहुँची थी वहाँ से फिंगर फोर का इलाका साफ दिखाई देता है। ये वही फिंगर फोर है जिसे लेकर ड्रैगन लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग जो है भारतीय सेना की वो फिंगर फोर जो कि बिल्कुल वहां पर आपको दिख रहा है, वो ऊंची सी चोटी जो है ब्लैक कलर की दिख रही है वो फिंगर फोर है और वहां पर जो है तैनाती है भारतीय सेना की, लेकिन दूसरी तरफ जो है चीनी सेना बैठी हुई है और विवाद उसी बात को लेकर है। भारतीय सेना लगातार चीनी सेना से यही कह रही है कि वो यहां पर अपना जो उन्होंने जमावड़ा किया है सेना का जहां से कुछ ही किलोमीटर दूर होगा उसको वहां से हटाए और प्राणी जो स्थिति थी यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसको बरकरार रखे, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग स्तरों पर चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, सेना स्तर पर हो, यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां पर हो, तो ये वो बातचीत की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल जारी है। एक और सीमा पर सेना के जवान भरी ठंड में डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर ठंड सैलानियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। जहां आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते सैलानियों से लेकर खिलाड़ी तक पहुंच रहे हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंड जाड़े के मौसम में पड़ती है और अधिकतर तापमान दिसंबर से लेकर मार्च तक शून्य से नीचे ही रहता है। उसे भले ही लाख नुकसान हो लेकिन एक फायदा तो जरूर है, यहां पर जहां पर भी कहीं पानी होता है वो जम जाता है और खासतौर से युवाओं और विंटर स्पोर्ट्स का शौक रखने वालों के लिए वो बिन मांगी मुराद होती है। ये आइस रिंग्स जो आप देख रहे हैं यहां पर कुदरती तौर पर शून्य से नीचे तापमान के कारण बन जाती हैं, इनमें कोई किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये आइस रिंग्स जब बन जाती हैं तो इन पर फिर चाहे आप आइस स्कीइंग करें, आइस हॉकी खेलें, तो वो आपके लिए मुफ्त में मैदान बन जाता है। यही कारण है कि देश में जितने भी खिलाड़ी आते हैं चाहे आइस हॉकी के या फिर आइस स्कीइंग के, वो लद्दाख से ही आते हैं क्योंकि उन्हें ये आइस रिंग्स कुदरती तौर पर बन के मिल जाती है। एलएसी पर तनाव की गर्मी पर ठंड भारी पड़ रही है।
चीनी सैनिकों के तेवर बर्फ के आगे पस्त हैं। वहीं भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। अशरफ वाणी, लद्दाख आज तक।